सिटी करनाल की सुभाष कॉलोनी में स्कूली छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई। जब अपहरणकर्ता अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बड़ा दम भरने वाली करनाल पुलिस की नाक के नीचे स्कूली छात्रा को किडनैप करने की कोशिश की जाती है और जब वह विरोध करती है तो लड़की के हाथ पर ब्लेड से हमला कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार जब छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर पर जा रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने स्कूटी के आगे गाड़ी और पीछे गाड़ी लगा दी ताकि वह भाग न सके। जब छात्रा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो आरोपी लड़कों ने उसके हाथ पर ब्लेड से हमला कर दिया। पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ वक्त पहले उसे एक लड़का छेड़ता था। जब उसने इसकी शिकायत उस लड़के के परिवार वालों से की तो इस कदर नाराज हो गया कि उसने बदले लेने की ठान ली। उसने अपने कुछ दोस्तों को सारी बात बताई और लड़की की किडनैप करने की प्लानिंग बनाई, जिसके बाद उस लड़के के दोस्तों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है ताकि पुलिस को आरोपी लड़कों के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। फिलहाल अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ना अब नाक का सवाल बन गया है। देखना यह होगा कि पुलिस कितने दिनों के बाद आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेती है या फिर यूं ही आरोपी सीएम सिटी करनाल में पुलिस को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते रहेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। मैम ये इसी कॉलोनी की बात है। कल दोपहर 12 बजे करीब व्हेन आई वाज गोइंग टू माय ट्यूशन एंड दो तीन गाड़ियाँ आई, जैसे एक गाड़ी आगे थी एक गाड़ी पीछे थी। तीन कवर्ड लड़के आए थे, पूरा ढका हुआ था एंड दे वेयरिंग कैप्स ऑन द हेड एंड दिस इज व्हाट लाइक मुझे जब एक्टिवा से उन्होंने चाबी वगैरह ले ली थी तो उन्होंने धक्के से गाड़ी में बिठाने की कोशिश की थी। तो जब मैं नहीं गई आई स्टार्टेड शाउटिंग एंड लिटरिंग, आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। तो दे जस्ट टुक आउट अ ब्लेड एंड जस्ट हर्ट माई सेल्फ एंड दैट वाज इट वाज वेरी स्केयर फॉर मी एंड इन द मीन वाइल वो वहाँ से एक अंकल जा रहे थे, ही जस्ट लेट देम द बॉयज गो एंड एंड ही जस्ट ड्रॉप मी इन द सेंटर। क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे इस पुलिस? आई जस्ट वांट दैट कि जिसने भी ये सब किया है उसको तो मैं तो छोड़ दूँ। सीधी सी बात, मैं इससे बहुत एंग्री हूँ, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है एंड आई डोंट वांट कि उन्हें इतना आसानी से सॉरी तो फील कराऊंगी, कुछ ना कुछ तो करूँ। ट्यूशन के लिए जा रही थी तो इसी रोड पे दो गाड़ियाँ आके रुकी, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। गुड़िया को टीवा से हटाया, जबरदस्ती उसको कार में डालने की कोशिश की। जब जो शोर जबरदस्ती की तो गाड़ी में नहीं डाल सके तो उन्होंने गुड़िया की बाजू ऊपर उठा के उस पर 30-35 तेज धार ब्लेड से वार किए और इतने में एक बुजुर्ग वहाँ से जा रहे थे, गुड़िया के शोर को सुन के उन्होंने उन लड़कों को भगाया और गुड़िया को ट्यूशन सेंटर पहुँचाया। हम उन बुजुर्ग वार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसे काम को अंजाम होने से बचाया। तो सर प्रशासनिक अधिकारियों से यही अपील है जी, वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें और गुनाहगारों को पकड़ के सजा दें। आपका नाम सर? पुलिस को रिपोर्ट दे दी। कल यहाँ पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके साथ अभद्र दुर्व्यवहार किया गया था तो उस संबंध में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है और दो गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ियों से जिसका भी नंबर मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक किसी पर शक की निगाह से अभी उसको चेक फुटेज को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे में जो भी गाड़ियों का नंबर आएगा जैसी भी सुरक्षा कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।